नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती बर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपक ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक मेडिसिनल प्लांट से मिलवाती हूँ और उसके बारे में बताती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी शाम का वक्त है और हमारे फ्लावर बंद होने को हैं। ये देखिए, हिबिस्कस का फ्लावर है और इसका कलर आप देखिए कितना खूबसूरत कलर है और अभी भी ये बरकरार है, ऐसे के ऐसे ही खिला हुआ है। और कुछ फ्लावर हमारे, ये देखिए, ये भी शाम के समय खिला हुआ है और इसका भी कलर कितना प्यारा लग रहा है। ये पोर्चुला है, वैसे तो ये सुबह खिलते हैं लेकिन शाम को भी खिला हुआ है। और इस तरफ में हमारा बालसम है, ये भी देखिए अभी तक के कितने अच्छे फ्लावरिंग हो रही है इसमें। तो चलिए मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ उस प्लांट से। ये है हमारा ग्लोय का प्लांट और ये फुल मेडिसिनल प्लांट है और इसकी कई प्रकार की दवाइयाँ बनती है और इसको बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसको ग्लोय बोलते हैं, कुछ गुड़ूची बोलते हैं और कुछ अमृत बेल भी बोलते हैं, अमृता भी बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं और पुराने ज़माने में तो इसको सभी लोग लगाते थे और बहुत ही औषधि, मतलब सदियों से चली आ रही है इसकी औषधियों बनना, दवाइयाँ बनना। और आज के ज़माने में तो हम मनी प्लांट लगाते हैं, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि हमें ये जो दवाइयों का भंडार है, हमें सभी लोगों को ये लगाना चाहिए। अगर आप लोग किसी ने नहीं लगाया है तो इसकी थोड़ी सी स्टेम, बस इतनी सी स्टेम लेके और कहीं भी कैसे भी मिट्टी में हम गड़ा देंगे तो ये आसानी से चल जाती है। इसलिए आप लोग भी इसको अपने, चाहे तो घर में भी लगा सकते हैं, अपने गार्डन में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसमें कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है, प्रोटीन होता है और स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है और इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। और अभी मुझे तो याद भी नहीं है कि कितनी सारी बीमारियों में आता है ये काम। दांत में आता है, मुझे कुछ कुछ याद है और पता है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कितना ही पुराने से पुराना बुखार होगा, इसका काढ़ा बना के आप दे दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। और खांसी है, कफ है और हाई ब्लड प्रेशर है और घाव में कैसा भी घाव होगा उससे इसको, या तो आप इसकी जो बेल की जो डंडी है उसको भी आप चबा के खा सकते हैं या तो उसका काढ़ा बना सकते हैं। तो कितना भी पुराना घाव होगा, टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन बिल्कुल गारंटी से जाएगा इसका। और कितना भी हमारा कब्ज है, पेट की बीमारियां जितनी भी है, कैंसर है, खून साफ करता है हमारा और बहुत सारी। और दोस्तों, अगर कोई मोटापा के लिए इसको यूज़ करेगा तो मोटापा भी इसमें बहुत ही जल्दी कम होता है। और दोस्तों, ये बहुत ही औषधि वाला प्लांट है और इसकी बहुत ही इजी टू ग्रो, मतलब बहुत कम केयर में ये हो जाता है। और इसकी एक खासियत है कि ये गर्मी के दिन में इसमें बहुत सारे लीव्स आ जाती, बहुत पत्ते आ जाते और ठंड के मौसम में ये अपनी पत्तियां गिरा देता है। लेकिन कोई बात नहीं है, इसकी जो स्टेम रहती है ना, ये भी बहुत काम की चीज़ होती है। ये वाली स्टेम भी बहुत काम की होती है। अगर आप दो पत्ते रोज खाली पेट अगर खाएंगे तो उससे भी हमारी बहुत सारी बीमारियां कम होती है। अब मैं इसकी केयर के बारे में बात करूं तो मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो मिट्टी तो इसको वैसे अगर ज़मीन में लगी है तो कोई सी मिट्टी में चल जाएगी, और अगर हम गमले में लगा रहे हैं तो जो हमारे पुराने गमले की मिट्टी है वो ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें गोबर खाद मिला लीजिए, थोड़ी सी सैंड मिला लीजिए। क्योंकि अगर हम बना ही रहे हैं तो थोड़ी सी अच्छी मिट्टी बना लेंगे, जो हम और भी गमले की बनाते हैं तो ये थोड़ा सा बहुत, और इसकी जो ग्रोथ होती है ना बहुत जल्दी जल्दी होती है, बहुत जल्दी। आप थोड़ी सी इतनी बड़ी डंडी लगाओगे वो बहुत जल्दी से बढ़ जाती है। तो अगर हम ऐसी मिट्टी बना लेंगे तो अच्छा होगा, गमले का ड्रेनेज होल अच्छा रखेंगे क्योंकि हम
गमले में लगा रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे मिट्टी, वैसे तो ये कोई भी मिट्टी में चल जाएगी। और पानी इसको बहुत ना दें, पानी इसको बार बार देंगे तो इसकी स्टेम गल जाएगी। ओवर वाटरिंग ना करें, जब देख लीजिए कि पानी हमारा गमले का सूख गया है उसी समय दीजिए। और धूप की अगर मैं बात करूँ तो इसको बहुत तेज़ धूप में ना रखें। ये मेरा बहुत तेज़ धूप में रखा हुआ है, लेकिन इसकी पत्तियाँ देखिए किस प्रकार से जल रही है, ये पत्तियाँ जल गई है। तो इसको एकदम बहुत तीखी धूप में, मेरे यहाँ छत पे सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक धूप रहती है, तो इतनी धूप में भी ना रखें। मतलब 4 घंटे की धूप काफ़ी है, 4 घंटे, 4.5 घंटे या 5 घंटे भी की भी ठीक चल जाएगी। मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो धूप इसको थोड़ा सा, वैसे तो ये हर जगह चल जाती है लेकिन बहुत तेज़ धूप में ना रखें। और फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो इसको कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर हम 15 दिन या 1 महीने भी फर्टिलाइज़र कर देंगे, दे देंगे इसको गोबर खाद, तो इसकी जो लीव्स होती है वो बहुत सुंदर सुंदर आती है। ये तो मेरा धूप से ख़राब हो गया था और मैंने बहुत छोटा सा लगाया था और ये बहुत दूर तक के फैल गया है। ये देखिए इसकी स्टेम पूरी उधर तक के जा रही है। तो इसको कभी भी आप फर्टिलाइज़र, वैसे हम और गमलों को देते हैं, इसको भी थोड़ा सा गोबर खाद दे दीजिए तो ये बहुत अच्छे से इसकी लीव जो होती है ग्रीन ग्रीन हो। और अगर जैसे इसमें फूल फल भी आते हैं, एकदम छोटे छोटे फूल फल आते हैं जो काले हो जाते हैं, शुरू में रेड होते फिर काले होते हैं, एकदम मोती के जैसे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके फल भी। और फल जब नहीं रहते हैं उसके उस समय भी, अगर ये बहुत घना हो जाता तो इसकी जो पत्तियां हैं वो उससे बहुत सुंदरता बढ़ जाती है हमारे गार्डन की। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी मेरी जानकारी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मैं अगली वीडियो जल्दी ही लाऊँगी।